अभी फुटबॉल पहले इधर कर रहा था, अभी इधर करता हूँ। अच्छा। और सारा दिन घर पे ही बैठता हूँ, या टीवी देखता हूँ या मोबाइल देख लेता हूँ, और तो कुछ नहीं, या खाना खा लेता हूँ। घर में ही बैठ के पढ़ा, और पढ़ा भी ऑनलाइन क्लासेस की समझ ही नहीं आती। नहीं पढ़ते हैं लेकिन जो काम सही नहीं समझ नहीं पाते, सही ऑनलाइन होता है ना, फिर समझ नहीं आती, फिर कभी नेट, कभी किसका मसला होता है, कभी किसका मसला होता है। मैसी और रोनाल्डो पसंद है लेकिन ज़्यादा मैसी पसंद है। 2020 तो इंजॉय किया लेकिन पढ़ाई की वजह से हम लोग बहुत मुतासर हो गए, स्कूल बंद हो गए, बस ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी, लेकिन फुटबॉल में हम लोगों ने अपनी खेल आगे रखी है। मैं रोनाल्डो को फॉलो कर रहा करता हूँ, मैं पायलट भी बन सकता हूँ और फुटबॉलर भी बन सकता हूँ। 2020 का साल थोड़ा मुश्किल था क्योंकि पढ़ाई में काफ़ी लॉस हुआ है हमारा, हम स्कूल नहीं जा पाए, इसकी वजह से हमारी एजुकेशन काफ़ी लॉस हुआ है, हमारे मार्क्स भी पीछे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने ऑनलाइन एजुकेशन हासिल की है और फुटबॉल ही हमने अपनी आगे रखी है। इस दौरान हमारे काफ़ी फुटबॉल भी हुई है जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हुई है, इसलिए हम हेल्प भी करेगा इस कोविड को फाइट करने में, और इस तरह हम पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरा पसंदीदा फुटबॉलर मेसी है, मुझे वो काफ़ी पसंद है और बड़े होकर मैं एंकर बनना चाहता हूँ। हमेशा से ऐसा है कि मुझे इंटरव्यूज करने में अच्छा, मुझे काफ़ी मज़ा आता था, अपने कजन्स के साथ दोस्तों के साथ भी खेलता था इस तरह में अक्सर, मुझे उसका बचपन से काफ़ी शौक था। मैंने 2020 में बहुत ज़्यादा फुटबॉल इसी सीखा उनके लॉकडाउन की वजह से, कुछ अर्सा अकेडमी भी बंद रही है, एजुकेशन भी बहुत इसकी वजह से हुआ है, लेकिन अब जब से 2020 के अंदर जो हमने जो लॉकडाउन के अंदर इतना दिन हमने फुटबॉल नहीं खेला उसको, वो जो जो उन दिनों गेम नहीं खेली उन्हें हमने कम वक्त में हमने वो सारी गेम वापस लाई और उससे अच्छा इम्प्रूव किया। पहले हम हफ्ते में 4 डेज आते थे हमारे अंडर 14 के बच्चे ट्रेनिंग के लिए, लेकिन अब हम 7 डेज आते हैं, डेली ट्रेनिंग करते हैं 2 से 3 घंटे और प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं, और उसके बाद फिर हम और अकेडमी के साथ भी, हमारे कोविड के बाद 2-3 मैचेस हुए हैं और हमने हर मैच में हमने विक्ट्री की है। कोविड की वजह से एजुकेशन बहुत मुतासर हुई है हमारी, उस टाइम के अंदर हमने फुटबॉल खेल के अपना टाइम किया और फुटबॉल के अंदर हमने उस टाइम में इम्प्रूव किया अपना। 2020 जैसे कि सबको पता है काम साल नहीं था, शुरू में इसकी एक वबा पाई गई जिसका नाम कोरोना वायरस है, जिससे सारे दायरे अफेक्ट हुए, एजुकेशनल भी फुटबॉल भी। शुरू में हमारा फुटबॉल अकेडमी भी बंद हो गया था, स्कूल भी बंद हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर आधे साल जाके वापस अकेडमी खुल गई। शुरू में हमने एसओपीज भी फॉलो की और अकेडमी वापस जारी हुई, सारे प्लेयर्स आए और फुटबॉल का इतना लॉस नहीं हुआ। 2020 में खेली क्योंकि ट्रेनिंग होती जारी थी, नए स्किल सीख रहे थे, पासिंग बेहतर हो रही थी, 2020 सब के लिए बेहतर साल था। ऑनलाइन क्लासेस हुई थी जिसमें हमने पढ़ा, जारी सी बात है उस हिसाब से क्लासेस नहीं हुई, लेकिन लैपटॉप पे घर बैठ के एक अलग नया एक्सपीरियंस था, हमने नई क्लासेस लिए, नया लर्निंग का एक्सपीरियंस था, अच्छा रहा वो भी। सही था, नेशनल गेम भी नेशनल लगाए हैं उसमें, और इस्लामाबाद की टीम से उधर गए हैं, पेशावर गए हैं, खेल के आए हैं। 2020 अच्छा लगे, वैसे खेले हैं नेशनल खेले हैं, पर कोरोना की वजह से आगे नहीं गए। 2021 में इंशाल्लाह नेशनल खेलेंगे पाकिस्तान टीम के। 2020 साल में हम काफ़ी अल पाकिस्तान टूर्नामेंट खेले हैं, बल्कि इस्लामाबाद को भी रिप्रेजेंट करते हुए हम काफ़ी जगह पे अल पाकिस्तान टूर्नामेंट खेलने गए हैं, उधर भी हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। इंशाल्लाह 2021 में भी हम इंशाल्लाह अच्छा कोशिश करेंगे, आगे जाएंगे इंशाल्लाह। 2019 की बजाय हम 2020 में अच्छा खेल रहे हैं अभी, बल्कि अल पाकिस्तान भी खेल रहे हैं, उस वक्त हम बल्कि सोल खेल रहे थे, अभी 11 साइड ज़्यादा खेल रहे हैं, इसलिए बाहर भी जा रहे हैं खेलने, काफ़ी दूर जा रहे हैं, बल्कि अल पाकिस्तान खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं इस साल 2020 में। एजुकेशन काफ़ी डिस्टर्ब हुई है हमारी, बल्कि पूरा साल ही एजुकेशन, तो क्या कहें यार, कोरोना की वजह से तो बस फारिग हो गई है। 2020 जो है वो खेलों के हवाले से थोड़ा सा जो है वो बाकी ईयर्स मुताबिक थोड़ा मतलब नॉर्मल रहा है, मतलब बहुत कम गेम हुए हैं 2020 में ही, तो ये कि कोविड की वजह से बड़ा जो है वो बच्चों के फिटनेस पे भी जो है बड़ा मतलब असर हुआ है, और ज़्यादातर एकेडमीज़ में जो फुटबॉल है, फुटबॉल के हवाले से फुटबॉल भी बहुत कम रहा है, तो हमारे जो है वो यहाँ पे, तो हमने कोविड में भी जो है बच्चों को मतलब सेफ्टी मतलब प्रिकॉशंस के थ्रू जो है वो इनको ट्रेनिंग कराई है। यहाँ पे 2 महीने बंद रहा है हमारी एकेडमी, उसके बाद हम लोगों ने एकेडमी खोल दी थी, तो उसी वक्त से हमारी ट्रेनिंग जारी है। अभी माशाल्लाह बच्चे जो है वो काफ़ी उसमें मतलब बड़ी तादाद में खेल रहे हैं, मतलब 50 से ज़्यादा बच्चा हमारे पास मतलब एट अ टाइम खेल रहा है, तो ये सारे के सारे जो है वो अपने साथ मतलब सेफ्टी प्रिकॉशन हर चीज़ अपने साथ लेके आते हैं, वो मास्क यहाँ पे आके मतलब आके लेकिन गेम के दौरान ही उतार देते हैं, सैनिटाइज़र भी साथ लेके आ जाते हैं, तो मैच के बाद भी जो है वो लगा के उसके बाद जाते हैं। तो रिसेंटली हमारा जो है एक बच्चा गोलकीपर जो है वो पाकिस्तान नेशनल टीम में मतलब खेला है, अभी हमारा एक बच्चा जो है फहम लड़का वो अंडर 16 इस्लामाबाद की टीम में गया था,
तो इसी तरह हम रिसेंटली हम जो है वो आल पाकिस्तान मतलब एबटाबाद भी खेल के आए हैं, वहाँ पे एक मैच जीते हैं और दूसरा हारे हैं, क्योंकि हमारा मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था बच्चों का। और मेरे पास सब के सब बच्चे जो है जो हम बड़ी टीमों के साथ खिलाते हैं, डिपार्टमेंट के साथ खिलाते हैं, वो या मतलब अंडर 16 के बच्चे हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास जो है वो 17 साल के बच्चे हैं। तो ये वही बच्चे हैं जिनको हम लोगों ने खुद तैयार किया, जिन्होंने हमारे साथ जीरो से स्टार्ट लिया हुआ है। मतलब हम यही बच्चों को जो है खिलाते हैं, उसके बाद हम लोग मतलब वाकेंट में खेले, मतलब टेक्सिला में आल पाकिस्तान खेले, पहला मैच हम 5-0 से जीते थे, दूसरा मैच हम पेनल्टीज पे हार गए थे, और इसी तरह मतलब हम फतेह जंग गए हुए हैं, मतलब खान क्लब फतेह जंग से हम मतलब मैच खेले हैं। उसके बाद ये प्रो स्टार मतलब बहुत अच्छी टीम है यहाँ इस्लामाबाद की, उनके साथ खेले हुए हैं, और इस्लामाबाद में जो भी बड़ी टीम है उनके साथ होते हैं, हम 11 साइड जो है मैच खेलते हैं, बच्चों का बहुत अच्छा जो है रिजल्ट रहा है हमारा। इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि इसमें कोरोना आ गया था और भी थोड़े मसाइल थे, इससे बेहतर 2019 बेहतर था। कोरोना है तो हमने भाई ये गेम शुरू कर दिए घर में बैठे रहे, क्योंकि स्कूल तो बंद हो गए थे, उन्होंने वैसे ही पास कर दिए, तो अभी आगे भी बंद है, देखे क्या चलता है। लेफ्ट एंड फोर IMCB में पढ़ता हूँ, लेकिन हमारी ऑनलाइन क्लासेस अभी फिलहाल रेगुलर नहीं हो रही। किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग और साथ इसकी किक्स, और जो इंटरनेशनल मैच वगैरह में आप देखते हैं जैसे आमिर खान है बॉक्सर पाकिस्तान का, बिल्कुल वही चीज़। 2020 बहुत घर बैठ के तो बहुत बोर हो जाते हैं, ना ऑनलाइन क्लासेस में समझ आती है और टाइम ज़ाया हुआ है ना इतना खेल सके। मैं खुद ताइक्वांडो कराता हूँ, मेरा इस्लामाबाद से मेरे क्लब रजिस्टर्ड है और गोफा से भी हमारा एफिलिएशन हुआ है। 2020 तो बहुत ख़राब रहा क्योंकि हमारे पास ना तो कोई एक्टिविटी थी, तो 2019 अलहमदिल्ला हमारे पास बच्चे भी आते रहे और 2019 अच्छा रहा। हमारे तो 2020 में अभी तक कोई भी इवेंट हुआ ही नहीं, और ये है कि अलहमदिल्ला 2020 तक इतनी ये है कि क्लब में हमारा अपने गेम चलते रहा, ट्रेनिंग कराते रहे, हमारा निज़ाम सही चलता रहा, लेकिन ये है कि गरीबों के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बेनतहाई ज़्यादा मुश्किल था।